साउथ के लेजेंड कहे जाने वाले एक्टर ममोती सर की मोस्ट पॉपुलर मूवी हॉरर थ्रिलर मूवी रिलीज हो चुकी थी, जिसका नाम था ब्रह्म युगम। फरवरी 15 तारीख को रिलीज हो गई थी। आज हम जानेंगे इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है। वहीं बात कर ले इसका बजट कितना था। बजट दोस्तों 27 करोड़ 73 लाख बजट था इसका टोटल। फ्रेंच की बात करें, मलयालम लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज हुई थी, तो एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं कितना हुआ है। फर्स्ट डे की बात करें दोस्तों, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 3 करोड़ 1 लाख, जो एक लैंग्वेज की माने तो अच्छा खासा कलेक्शन हमको देखने को मिला था। वहीं दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन दोस्तों पहले दिन से दूसरे दिन हमको थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। वहीं कलेक्शन की बात करें, 2 करोड़ 45 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है दूसरे दिन का। वहीं बात करें इसका तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दूसरे दिन से तीसरे दिन हमको काफ़ी जम देखने को मिला है दोस्तों। तीसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, 3 करोड़ 35 लाख हमको कलेक्शन देखने को मिल रहा है। चौथे दिन की बात करें, चौथे दिन काफ़ी दूसरे तीसरे दिन से काफ़ी जम हमको देखने को मिल रहा है। 3 करोड़ 85 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है चौथे दिन का। वहीं पाँचवें दिन की बात करें, पाँचवें दिन काफ़ी ड्रॉप देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसका कलेक्शन की बात करें 1 करोड़ 65 लाख ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें छठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, छठे दिन तो और भी ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रही है। छठे दिन खाली 1 करोड़ 37 लाख ही कलेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इसके ओवरसीज की, ओवरसीज से दोस्तों 17 करोड़ आया था, जो अच्छा खासा नंबर हमको देखने को मिल रहा है। वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, इंडियन ग्रॉस कलेक्शन से आया था 17 करोड़ 5 लाख, जो अच्छा खासा नंबर हमको ग्रॉस कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। वहीं इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो मेन भाई तो इंडियन नेट कलेक्शन ही होता है, जिससे पता लगता है मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है। वहीं बात करें इंडियन नेट कलेक्शन की, 15 करोड़ 77 लाख हमको कलेक्शन देखने को मिल रहा है। जो 6 दिन हुए मूवी को रिलीज हुए, तो अच्छा खासा कलेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड की बात करें, वर्ल्ड वाइड से 34 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है, जो अच्छा खासा कलेक्शन हमको देखने को मिल भी रहा है। वहीं बजट की बात करें, बजट 27 करोड़ 73 लाख था, जो बजट अपना पार कर चुकी है, 34 करोड़ 5 लाख हो चुका है। ये मूवी सुपर हिट तो नहीं हुई है, ब्लॉकबस्टर भी नहीं हुई, तो हिट कह सकते हैं, हिट हो चुकी है। अभी तो 7 से 6 दिन हुए हैं, आगे देखेंगे कितना कलेक्शन कहाँ तक जाती है। ये मूवी 50 करोड़ पार कर पाएगी कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।